वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर स्टडी सी लैंग्वेज के अंदर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपके एंड देन और नोट क्लियर है। तीन होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए होता है, ये और ये थर्ड इज नॉट गेट। सिंपली आपको लॉजिक गेट के कंसेप्ट तो पता ही होगा। एंड के अंदर आपका प्रोडक्ट होता है, और के अंदर आपका एडिशन होता है, और ये नॉट इक्वल टू मतलब ये तो उसका बार बोल लो आप बार करा देगा। तो इसके लिए हमें मान लो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एक प्रोग्राम लिखना है सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है जी। देन इंट मेन, ये तो आपका कॉम मेन फाइल, और ये आपका जो मेन प्रोग्राम है यहां से स्टार्ट हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के बाद। अब मान लो मैं यहां पे इंट में दो वेरिएबल देता हूं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 22, कोमा लगा दो यहां पे, सेमी कोलन, नहीं तो एरर शो कर दो। अब मैं क्या चाहता हूं, या तो मैं एक ही लाइन में सभी की प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट कमांड देता हूं, या अलग अलग से, वो आपके ऊपर डिपेंड। आप क्या करना चाहते हो, या तो आप एक ही प्रिंट में आप दे दो परसेंटेज डी, कितने ऑपरेटर है, तीन है ना, तो तीन ये लग जाएंगे आपके परसेंटेज डी और क्या ऑपरेशन लगाना है आपने, ए एंड ऑपरेशन, बी कोमा, ए और बी कोमा, नोट कराना आपने किसका, ए का करा लो या बी, क्योंकि नोट गेट के अंदर सिंगल इनपुट होती है। या तो आप ए का नोट करा लो या बी का। सपोज मैं ए का नोट कराता हूँ, देन ये क्लोज, और ये आपका हो गया प्रोग्राम एंड। अब इसके अंदर आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, इसके बाद तो ऑपरेशन तो आपको देगा ही देगा। मान लो आप यहाँ पे ये लेते हो, जैसे मैं दूसरी फॉर्म में इसको लेसी प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम को लिखता हूँ, इंक्लूड stdio.h इंट मेन, देन उसके बाद आपका ये मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया यहाँ से, इंट आप यहाँ नंबर नहीं डिफाइन करते, आप ए कोमा बी और ये आपने कर दिया। देन आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। स्कैन एफ, स्कैन एफ क्या करेगा, इनके वैल्यू को उठाएगा, परसेंटेज डी, बस दो वेरिएबल है ना, परसेंटेज डी और फिर ये हो गया आपका, और वैल्यू उठाने के लिए एम परसेंट ए, एम परसेंट बी, और ये हो गया आपका अभी आपने वैल्यू इनपुट करा दिया। अब आप क्या चाहते हो, अब आप यहां पे क्या चाहते हो, अपने लॉजिकल ऑपरेशन चाहते हो। लॉजिकल ऑपरेशन के लिए आप प्रिंट एफ करा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा एक लाइन में एंड हो जाए, एंड का ऑपरेशन लग जाए, दूसरे में मेरा
ये मेरा और लग जाए, ए और बी। और तीसरे में मेरा नोट लग जाए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। बात वही रहनी है, नोट ऑफ ए, ठीक है। या आप यहाँ पे स्लैश एन भी दे सकते हो नई लाइन के लिए, या आप टैब टी दे सकते हो स्मॉल टी स्लैश एन, और यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो स्लैश एन इसके बाद, ठीक है। अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा आपको कंफर्टेबल के लिए, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर डिस्प्ले में। तो चलो अब इसको हम कोड ब्लॉक पे अपना परफॉर्म करके देखते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है एक्यूरेट या नहीं आ रहा। तो ये मैंने अपना कोड ब्लॉक ओपन कर रखा है यहाँ पे, सिंपली हैश इंक्लूड stdio.h, सॉरी हैस इंक्लूड stdio.h एंटर इंट मेन देन योर मेन प्रोग्राम अब आपने अपने दो वेरिएबल बता दिए यहाँ पे। फर्स्ट केस में हम वेरिएबल बता देते हैं, ए इज इक्वल टू 10 कोमा डी इज इक्वल टू 22। देन हम प्रिंट एफ कराना चाह रहे थे, प्रिंट एफ क्या हम तीनों को एक यूज में कराना चाहते, परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, ठीक है। हर एक के बाद आप न्यू लाइन यूज कर सकते हो या स्लैश टैब यूज कर सकते हो। न्यू लाइन और यहाँ पे ये मेरा न्यू लाइन में आ जाएगा हर एक के लिए रिजल्ट। अब क्या कराना चाहते हो यहाँ पे, मैं ए एंड बी कराना चाहता हूँ, ए और बी कराना चाहता हूँ, देन नॉट ए कराना चाहता हूँ पहले एक्सपेरिमेंट में जो मेरा था, और ये सेमी कोलन, और ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अब हम देखते हैं अपनी, इसको रन करते हैं। अब देखो आपने क्या लिया था, 10 लिया था इनपुट में और 22 लिया था इनपुट में, तो पहले पॉइंट में वो क्या बताएगा आपको, आपने 10 लिया था ना आउटपुट, 10 लिया था तो आपने एंड कराना है ए एंड बी, और दूसरे में ए की वैल्यू उसने 10 ए प्रिंट करा दी है, दूसरे में और उसने 1 कर दिया है, देन 10 का नोट उसने कर दिया है, कंप्लीमेंट कर दिया है उसने 1। आपको के क्या शो कर रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ, आउटपुट में शो कर रहा है हमने ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 22 दिया था, तो एंड में वो क्या कर रहा है, क्या वो एंड ऑपरेशन लगा रहा है यहाँ पे, एंड ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, Someone carry one, one चलाया। आप इसको यहाँ पे 2 कंसिडर कर लो और इसे भी 2 कंसिडर कर लो। अब देखते हैं हम इसको, पहले इसको क्लोज करो, ठीक है, और ये हो गया एग्जीक्यूट।
हम इसको पहले सेव कर लेते हैं, हमने इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया था। ये भी हो सकता है कि सेव फाइल मेन के अंदर में देन सेव। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो, हाँ हमने सेव नहीं किया था, ये हमारी बुराई की थी। सेव करोगे तभी आपके आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इस केस में आपका क्या रहा था, इस केस को अभी छोड़ो, हमने लिया है ए टू क्योंकि सेव से पहले है ना वो, तो और ये बी भी टू था अपना, ए एंड बी एक से ज़्यादा भी जो वैल्यू होगी उसको एज ए वन कंसिडर करेगा। यहाँ भी एंड एक से ज़्यादा जितनी वैल्यू होगी जीरो से ज़्यादा तो उसको एज ए वन लॉजिक कंसिडर करेगा, और वन इंटू वन क्या होता है, वन होता है। क्लियर। ए ए और बी एक से ज़्यादा होगी तो वो एक और उसको भी वन ही कंसिडर करेगा। वन और वन का लॉजिक क्या होता है, वन प्लस वन वन होता है। और अगर आप ए का बार करोगे, नोट करोगे वन का, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। आउटपुट क्या आ रही है आपकी, वन वन जीरो, ये सेम आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, इसी सेम एक्सपेरिमेंट को हम कैसे स्कैनएफ से कर सकते हैं। स्कैनएफ करने के लिए आपको पहले यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं बतानी है इसकी, ठीक है जी। तो स्कैनएफ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज करनी है, स्कैनएफ। और ये मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी, दो वेरिएबल हैं तो परसेंटेज डी परसेंटेज डी, और फिर मैं यहाँ से एम परसेंट ए कोमा एम परसेंट बी यूज कर लेता हूँ, फिर सेमी कॉलन हो गया ये आपका। ठीक है, आप इनको अलग अलग से अलग अलग प्रिंट टाइप भी काम कर सकते हैं, वही और एंड के लिए अलग से प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, और के लिए अलग अलग से। तो ये यहाँ से तीनों हट जाएंगे तो सिंगल सिंगल रह जाएगा, अगर आप सिंगल सिंगल ऑपरेशन हर लाइन में कराना चाहते हो। अगर आप स्लैश एन यूज करते हो तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपका सिंगल लाइन में ही देगा अलग अलग से। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब देखो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, तो वो क्या करेगा, हमारे से इनपुट पूछेगा। तो मैंने पहले इनपुट दे दी टू, दूसरी इनपुट दे दी मैंने टू, तो आपका रिजल्ट 1110 आ रहा है, 110 आ रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। स्कैनएफ के अंदर मैंने क्या किया है, स्कैनएफ क्या करेगा, हमारे से वैल्यू मांगेगा। हमने टू दी और बी इज इक्वल टू टू दी, तो हमारा आंसर क्या रहा है, 110। क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।